हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारे गेम श्रवण कुमार अग्रवाल जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1948 में हुई राशिद नजमुद्दीनोव की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी व्लादस मिकानस से। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ राशिद नजमुद्दीनोव ने की थी e4 के साथ। तो नाइट f6 यहाँ व्लादिस ने किया एलेकाइन डिफेंस। तो e5 नाइट पर अटैक बना, नाइट का ऑब्वियस मूव है d5 स्क्वायर पर जाना। c4 दोबारा नाइट पर अटैक बना, तो ये नाइट गया b6 स्क्वायर पर। एलेकाइन डिफेंस की थियरी इसी फॉर्मूले पर वर्क करती है कि व्हाइट के पॉन्स को इतना आगे पुश करवा दिया जाए कि उसको डिफेंस करने में काफी प्रॉब्लम। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ राशिद ने c5 किया, दोबारा नाइट पर अटैक बनाया और नाइट गया d5 स्क्वायर पर, देन बिशप c4, देन e6। ओके पे चलिए डिफेंस तो हो गया है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो d5 में पॉन्स डबल हो सकते हैं ब्लैक के इन फ्यूचर। लेकिन उससे पहले राशिद ने यहाँ नाइट c3 स्क्वायर पर रखा और ब्लैक के पास चांस था यहाँ c5 में व्हाइट के पॉन्स को डबल करवाने का, नाइट टेक c3 करके, डी टेक c3 या बी टेक c3 जो भी होता, और उसके बाद ही फर्दर इस तरह से कुछ गेम आगे बढ़ सकती थी। लेकिन व्लादिस ने यहाँ पहले किया d6, और ये थोड़ा मैं यू नहीं कहूंगा अजीबो गरीब मूव है, बट दैट्स ओके। नाइट टेक्स d5, ई टेक्स d5, एक पॉन जीतने का मौका मिला है यहाँ व्हाइट को। लेकिन इसके बाद जब ब्लैक ने यहाँ c6 किया तो मेटल एक्शन इक्वल रहना चाहिए था, लेकिन राशिद को यहाँ से एक कमाल का टेक्टिकल फॉर्मुलेशन नजर आया। फ्रेंड्स, इस तरह की कंपोजिशन हम लोगों ने मोर लेस कई बार गेम्स में देखी होंगी, शायद खेली भी होंगी, लेकिन इस तरह का मूव जरूर नहीं ढूंढ पाए होंगे। राशिद ने यहाँ किया बिशप टेक्स f7 चेक, किंग टेक्स f7 होने के बाद सी टेक्स d6, और अपने बिशप को सेक्रीफाइस करवाने के बाद यहाँ पर उन्हें ये दो पॉन्स कनेक्टेड पासर्स, नॉट एग्जैक्टली पॉन्स, यहाँ व्हाइट को मिल चुके हैं क्वीन e8। वैसे बहुत मुश्किल है इन पासर्स को सेवेंथ रैंक तक पहुंचाना, लेकिन पहले यहाँ व्हाइट ने क्वीन e2 किया ताकि यहाँ इस पॉन पर डिफेंस किया जा सके, देन c5 नाइट f3। c5 किस लिए? ताकि ब्लैक यहाँ अपने पीसेस को बाहर डेवलप कर सके। बिशप टेक्स d6, और फ्रेंड्स बिशप टेक्स d6, मैं अगर ब्लैक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि ब्लैक के पास ठीक है बिशप आ चुका था, इनफ मेटेरियल गेन था, तो जो एडवांटेज उसे यहाँ उन्हें यहाँ मिलना चाहिए था वो शायद मिल चुका था। तो थोड़ा बहुत मेटल अगर वापस भी दे दिया जाए तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मान लेते हैं कि अगर व्हाइट यहाँ ई टेक्स d6 करता है तो उसके बाद क्वीन टेक्स e2 चेक होगा, किंग टेक्स e2 करना ही पड़ेगा, देन रुक टेक्स e8 चेक होगा, किंग जाएगा d3 जैसे किसी स्क्वायर पर, देन बिशप f5 चेक, किंग c4। कुल मिलाकर व्हाइट के किंग को थोड़ा टीज आउट किया जा सकता है, तो कह सकते हैं कि ये बिशप सैक्रिफाइस ब्लैक के लिए अच्छा मूव था। लेकिन यहां व्हाइट ने किया नाइट g5 चेक, किंग गया g6 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स सैक्रिफाइस करने का दिन आज व्लादिस का बिल्कुल नहीं था। यहां राशिद ने किया क्वीन d3 चेक और अपने इस बिशप को जाने दिया है। वैसे मेरे ख्याल से कोई भी और खिलाड़ी होता तो यहाँ पर f4 के ऑप्शन को जरूर कंसिडर करता और करना भी चाहिए था, लेकिन यहाँ बिशप e7 अगर वगैरह जो भी मूव चले जाते, लेकिन यहाँ पर व्हाइट ने अपनी क्वीन से चेक दी उसको d3 स्क्वायर पर ले जाकर, और इस नाइट को, अनडिफेंडेड नाइट को यू कैन से दैट कि सैक्रिफाइस कर दिया है, क्वीन टेक सॉरी किंग टेक्स g5, और फ्रेंड्स नॉट एग्जैक्टली साइड सैक्रिफाइस, यहाँ उन्होंने डिलेड मेटल एक्शन किया क्वीन टेक्स d6, क्वीन गई d8 स्क्वायर पर, और दोबारा क्वीन एक्सचेंज की कोशिश है ब्लैक की, और क्वीन एक्सचेंज हो जाती है तो ब्लैक के लिए थोड़ा मौका होगा इस गेम में संभलने का। लेकिन उससे पहले यहाँ व्हाइट ने किया d4 चेक, और फ्रेंड्स d4 चेक का डिस्कवर्ड चेक आनी ही थी यहाँ से। वेल, अब क्या किया जा सकता है? मेरे ख्याल से ब्लैक की ऑप्शंस काफी लिमिटेड होती जा रही हैं, क्योंकि उसका किंग सेंट्रलाइज हो चुका है। किंग कहाँ जाए? अगर ये किंग h5 में जाता है देन क्वीन टेक c5, और उसके बाद माइट भी कुछ डिस्कवर्ड चेक की ऑप्शंस इस तरह की कंसिडर की जा सकती थी। लेकिन यहाँ किंग f5 स्क्वायर पर पहले व्हाइट ने किया, देन g4 चेक, और फ्रेंड्स इस पॉन सेक्रीफाइस को एक के बाद एक पीस जो सेक्रीफाइस इस समय राशिद कर रहे हैं वो कितना एक्सप्लेन कर सकता है कोई उनको? वेल, अगर यहाँ किंग टेक्स g4 मान लेते हैं कि अगर ब्लैक करेगा अभी तो देन रुक g1 चेक, और इस पॉन सेक्रीफाइस का मतलब समझ में आता है कि अटैक में यहाँ इस रुक को भी लगाया जा सकता है। किंग कहाँ जाएगा? जहां भी जाए h5 और h6 जिस भी स्क्वायर पर जाएगा देन रुक g5 चेक होगा। किंग को h4 स्क्वायर तक आना ही होगा, देन क्वीन टेक c5, और उसके बाद ये क्वीन यू कैन से दैट रीशफल होकर बहुत हद तक चांसेस है गेम को चेकमेट तक पहुंचा दे।
लेकिन आइए वही देखते हैं जो है गेम में हुआ था। यहाँ अभी व्लादिस ने इस पॉन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने यहाँ अपने किंग को ई4 स्क्वायर पर लिया और उसके बाद यहाँ क्वीन टेक सी5 व्हाइट ने किया क्वीन एक्सचेंज करने का। अब व्हाइट का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन क्या ब्लैक यहाँ इस डी4 पॉन को नहीं ले सकता? मेरी नजर में तो ले सकता है क्वीन टेक डी4। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एफ3 चेक। यहाँ ब्लैक का एक किंग डिफ्लेक्ट करवाए जाने की कोशिश की जा सकती है। बिशप ने बहुत शानदार तरीके से डायगनल कवर की हुई है, तो किंग के जाने के लिए बचेगा सिर्फ डी थ्री स्क्वायर। किंग अगर डी थ्री स्क्वायर पर जाएगा भी देन क्वीन बी फाइव चेक, क्वीन बीच में लग भी गई, क्वीन ए फाइव किंग मूव होगा। इतनी देर में वाइट यहाँ अपनी फर्दर डेवलपमेंट करके अपने पीसेस को बाहर निकालने के बाद मेरे ख्याल से चेक मेट तक पहुंचा देगा। और अगर आप देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, तो अगर आप यहां देखेंगे कि ब्लैक का ये किंग कुछ इस तरह से प्लेस्ड है कि ये चेक स्टेलमेटेड कंडीशन में है। मीन्स सिर्फ अब यहाँ व्हाइट को एक चेक देनी है। अगर मान लेते हैं बिशप मूव हो जाए और उसके बाद यहाँ क्वीन डी थ्री जैसा कोई मूव अगर यहाँ ब्लैक ने चला भी, देन क्वीन बी फोर चेक, क्वीन बीच में लगी, देन रुक डी वन चेक और यहाँ मेट हो गई। पर चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, वही देखते हैं जो यहाँ इस गेम में हुआ था। यहाँ हुआ तो रुक एफ एट, और रुक के एफ एट स्क्वायर पर ब्लैक की प्रॉब्लम ही यही है कि उसके पीसेस बाहर निकल कर नहीं आ पा रही है। पॉन भी लिया जा सकता था वैसे, लेकिन व्हाइट ने अपनी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट, खैर व्हाइट की भी अगर बात करूं तो कोई नहीं डेवलप्ड है, बाकी सभी पीसेस तो ओरिजिनल स्क्वायर पर रखे हैं, लेकिन ब्लैक व्हाइट ने यहाँ कैसल किया है। और फ्रेंड्स क्या अब यहाँ बिशप टेक जी फोर नहीं किया जा सकता ब्लैक के द्वारा? किया तो जा सकता है, लेकिन व्हाइट यहाँ पहले ई सिक्स करेगा और ई सिक्स होने के बाद बिशप टेक सी सिक्स इज नॉट एन ऑप्शन बिकॉज ऑफ रुक ई वन चेक, और ये किंग पूरी तरह से ट्रैप हो चुका होगा। बिशप क्वीन और रुक तीन पीसेस इस किंग हंट में शामिल होंगे। किंग एफ थ्री स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन एच फाइव चेक होगा, किंग जी सॉरी बिशप जी फोर स्क्वायर पर लग भी गया, देन रुक ई थ्री चेक होगा, किंग एफ फोर, देन क्वीन ई फाइव चेक और ये मेट। तो चेक मेट के कितने नजदीक पहुंच चुका है ब्लैक का किंग, यहाँ से समझ में आ सकता है। खैर ब्लैक ने यहाँ अपने किंग को पहले एफ थ्री स्क्वायर पर प्लेस किया, देन एच थ्री, ताकि व्हाइट जब यहाँ कोई किसी तरह की चेक दे तो किंग के जाने के लिए स्क्वायर थोड़े से लिमिटेड हो। और फिर मैं वही बात कहूंगा कि किंग के लिए स्क्वायर्स वाकई में कम हो चुके हैं, सिर्फ अगर कोई चेक आती है तो इनके जाने के लिए यहाँ ये सिर्फ ई फोर स्क्वायर ही अवेलेबल होगा। देन बी सिक्स यहाँ ब्लैक ने किया, ब्लैक का इरादा क्या है? ब्लैक का इरादा वही है कि अपने पीसेस को गेम में लाए टेम्पो गेन के साथ क्वीन पर अटैक बनाने के लिए। तो क्वीन गई सी थ्री स्क्वायर पर और एक चेक भी दी। वैसे मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है यहाँ पर व्हाइट को किसी भी तरह से। किंग ई फोर स्क्वायर पर और फाइनल यहाँ व्हाइट ने अपने क्वीन को रखा सी फोर स्क्वायर पर, और यहाँ इस मूव के बाद व्लादिस मेकानस ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ से मेरे ख्याल से इस रेजिग्नेशन की रीजन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना। व्हाइट का एक किंग, मैं फिर दोबारा वही कहूंगा कि स्टेलमेटेड कंडीशन में है, रुक की फर्दर अगली चेक आनी ही आनी है, तो ब्लैक के लिए बेस्ट मूव क्या हो सकता है? हम कोई भी मूव निकाले, सपोज अगर यहाँ मैं क्वीन टेक्स डी फोर के ऑप्शन को ऑप्ट करता हूँ कि अगर ये मूव भी चला जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? रुक ई वन चेक होगा, देन किंग कहाँ जाएगा? किंग के लिए बचेगा सिर्फ और सिर्फ एफ थ्री स्क्वायर, देन क्वीन ई थ्री ई टू चेक होगा और ये मेट होगी। तो कुछ भी मूव चला जाए, इस क्वीन के सेक्रीफाइस की भी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट व्हाइट यहाँ आराम से इस गेम को चेकमेट तक पहुंचा देगा। तो फ्रेंड्स श्रवण कुमार अग्रवाल जी ने काफी कमाल की गेम हमसे भी लोगों को बताई होगी। पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन दोनों ही बहुत पसंद आई होंगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।